अबे तू कैसा भाई है? साले अपनी बहन का खून कर दिया। एक बात ये बता, तूने अपनी बहन का खून किया, तेरे दिल में जरा भी दया नहीं आई कि मेरी एकलौती बहन है? हरामखोर साले, तूने उसको मार डाला, आज तुझे सजा मिलेगी, आज तुझे सजाए मौत मिलेगी हरामखोर। तू ठीक कहता है, मुझ जैसे बदनसीब को सिर्फ सजाए मौत ही मिलना चाहिए। अरे आज राखी का त्योहार था, मैंने अपनी बहन के घर राखी बनाने के लिए गया था। न जाने कौन मेरी बहन को जिंदा चला दिया। ठीक है मुन्ना, आज अरे आज के दिन मेरी कलाई सूनी रह गई। अरे जिसे मैंने अपनी बेटी औलाद की तरीके पाला, आज इस दुनिया में मेरी बहन नहीं रह गई। बचपन में माँ बाप का साया छिन गया, आज मेरी बहन मुझे छोड़ करके राखी के दिन मुझे चली गई। मैं जीना भी नहीं चाहता, शौक से मुझे मार दे मुन्ना, अरे शौक से मुझे मार दे, मैं मरना ही मुनासिब समझता हूँ। चल अपने सिर को झुका, मैं अभी काट डालूंगा। से दिशा सूल पर आता है, एक दाइम गटाई न उतरी। ए ए लौंडे खड़ा हो, खड़ा उधर ककर के खड़ा हो। आखिर क्या हुआ मुन्ना? भैया मुन्ना, भैया एक ऐसे सोच लिया भाई साहब कि मैं आपका खून करूंगा भैया। अरे खून तो दोषी लोगों का किया जाता है, आप तो निर्दोष हो भाई साहब, ये बात मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ भैया। अभी आप जानते नहीं होंगे कि आपके बहन का खून किसने किया है भैया। अरे आपके बहन का खून कोई दूसरा नहीं बल्कि वो हरामखोर सागर सिंह गंगा देवी ने किया है। हाँ मेरे भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं उस मौके पर वहां पर था, लेकिन मैं क्या करूं भैया, वो हरामखोर सागर सिंह गंगा देवी, उनके पास हथियार थे, अगर मैं रोकता तो बहन की तरह मुझे भी मार डालते भैया। भैया वो लोग बहन को तड़पा तड़पा कर मार डाले भैया। वो लोग मेरी बहन को नहीं मारे, अरे मैं अपनी बहन का कातिल हूँ। अरे मैं अपनी बहन का कातिल हूँ, मैं गरीब हूँ, मजबूर हूँ, सिर्फ चंद पैसों दहेज के लिए मेरी बहन को, अरे उन हरामखोरों ने जिंदा जला। जिस समय मेरी बहन तड़प रही होगी, तड़पती थी, अरे उस वक्त मुझे याद करती रही होगी कि मेरा भैया आ जाएगा,
आज मेरा भैया अमीर होता, पैसे वाला होता, तो मेरे पति को दहेज दे देता, मेरी जान न जाती। हाँ भैया, लेकिन मुन्ना मैं क्या करूँ भैया, मैं जीना नहीं चाहता। नहीं भैया, कहा गया है कि किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता, किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता। यहाँ पत्थर बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंच कर चैन पाता है, अरो मोझिले सर पटकती है जिन्हें साहिल नहीं मिलता। भैया अगर आपको अपने बहन का बदला चुकाना है तो मैं आपको बताता हूँ भैया कि आप क्या करो। भैया कहा गया है कि मिटा दे उन हस्तियों को जब मर्तबा चाहो, खाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर भैया आपको अपनी बहन का बदला चुकाना है तो चले जाओ चंबल की तराई में, उठा लो बंदूक कमाना और मिटा डालो उन हस्तियों को जिसने आपको बर्बाद किया है। भैया तू ठीक कहता है मुन्ना, हे मुन्ना तू ठीक कहता है रे। जब तक मैं उस सागर सिंह को मौत के घाट नहीं उतार दूंगा मुन्ना, अरे जब तक उस सागर सिंह को मौत के घाट नहीं उतार दूंगा तब तक मेरी बहन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और न कि मेरी राखी का सौगंध पूरी होगी। भैया तू ठीक कहता है मेरे दोस्त। अरे अच्छा किया सागर सिंह, तूने इनायत बढ़ा दिया, आज तेरे ही कारनामों ने इस गरीब को डाकू बना दिया। आज के बाद ये चंदन मर गया, आज के बाद डाकू चंदन सिंह पैदा होगा। लेकिन मेरे दोस्त हाँ भैया, तेरी याद मुझे बहुत आएगी। अरे हो सकता है मैं लौट कर रहा हूँ या ना लौट करके आऊँ, मैं अपनी सौगंध को पूरा कर सकूँ या ना कर सकूँ, लेकिन जब मैं कभी हो सकता है लौट करके आऊँ, क्या तू मुझे पहचानेगा? क्यों नहीं पहचानूंगा भैया, समय बहुत ज्यादा हो जाएगा, बताने पर जरूर पहचान लूंगा भाई साहब। आज तेरे जैसे इंसान इस दुनिया इस समझ में न होते तो मेरी जान चली जाती। भैया ये तो हमारा कर्तव्य है मेरे दोस्त, मेरी उम्र तुझे लग जाए तू हमेशा खुश रहे। कि हर कदम पर कोई का
नमस्ते। और कहो छोटू, क्या हाल है? आवाज ठीक है, तू अपन बतावा का हालत है? हालत ना डोलत है, डोलत है। अरे मतलब का बढ़िया है? कहा जाता है क्या हाल है? हाँ का हाल ये बढ़िया है, सब ठीक है। चला बढ़िया चाहे कहते सिर्फ आज का निका है सुबेरोक बाहर अपने छाता पर कौआ बोलत रहा हो। देख यार छोटू, हमें ऐसा लग रहा है यहाँ सिठाई ना आने वाली है यार। सिठाई ना आने वाली यहाँ। चल ठीक है, बैठ के इंतजार करता हूँ उसका। छोटू, अरे तो के तेरा नाम लेके बुला रहे जाई देख यही नहीं छाटू छाटू करत यार। अरे छोटू बोल नहीं पागा, आवत है बिना छोड़े मरपौ न करब, पहले छोड़ब तुम्हारा, पहले छोड़ब भी मारब। आई के कस बरसाती मेघा की नहीं बोलत काका, हमका असढ़िया मेघा समझ ले यार। कहते का कसत आयु? कसत नहीं हिलत आए, कैसे आओ? हाँ कैसे कहते हाँ ई नीक नीक धोती पहला तो हम न जा रहा कि तू बहुत रही सिर हो गया मंगती नहीं रहू। कहते इतनी समय सेठ है बेचारू थका माना है, पैसा कौड़ी ना बटे इतनी समय जा चली जा। अरे नहीं सेठ जी से पैसा ना चाहिए, सेठ जी से मिले क्या है? मिलबू का पहले अपन ही मुंह दिखावा। मुंह ना दिखाओ कहे नहीं कहे ना जाता फिर मिला वो ना करब। सेठ जी से मिलावा जरूरी है? नहीं पहले मुंह दिखावा, बिना मुंह दिखाए ना मिलबा। हाँ नहीं पहले मुंह दिखा, मुंह दिखाई दे तो मिलबा। हाँ दिखावा क्या देखा? हमके अम्मा 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 नमस्ते। खुशी रहा बेटवा, खुशी रहा, खुशी रहा जी आजागा अमर रहा। कहते अम्मा? हाँ बेटवा। भैया खिया से जी उभर गया का? मतलब कहते भैया खिया रहा रहा तू भी आ गयो? अरे कई दिना नैहरे में केकर बिता हरे, आई आखिर आवे के तही बा हमके आवे के ही बा। एक महीना खाती है वो, एक साल खादी चली जाबो ना बेटवा। सही आपके दाई आई, आपकी रहा हम राबू का। हाँ कहते अब सेठ जी से मिलाए था? सेठ जी यहाँ इतना लेकिन जाए पहले पूछे आई तो पूछ के होगा। हाँ आधा पूछ के आओ, ऐसे बगल चला ठीक है। ए सेठ आइन तो गईन और आई ठेसाइन? हाँ आई गईन। उसे सम्मान के साथ मेरे पास ले गया का? सम्मान के साथ मेरे पास ले गया? सम्मान के साथ ऐसे ठाइन, ऐसे ठाइन जा इधर। ये तो अटका रहा था सबके ना, कहा थे सेठाइन? सेठ कहें सम्मान के साथ लिया क्या हुआ? हाँ तो लेके चला। चल बू? हाँ समन्वय के साथ। हाँ चला आवा, चले चला आवा चला।
पत्नी गंगा देवी का प्रणाम स्वीकार। क्या बात है गंगा देवी, तुम्हारी आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है? अल्लाह भाई के पूछा तो मैं तुम्हें देर से रोवत है, अब भाई के पूछा था कि हम काहे बड़े रोवत है। हाँ गंगा देवी, मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर बात क्या है, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? सुना कि मेरी भाभी ने स्वामी फांसी लगाई। क्या कहे तो? साधु फर्नीचर हाउस, आप साहब खानपुर के रहने वाले, ये 30 रुपया का महान पुरस्कार भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ आ गए हमारे कन्हई भैया, 21 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं भैया, धन्यवाद। गंगा देवी सुन मेरी बात को। अच्छा किया भागे मैं कैसे आई फंसाए से मुश्किल में तेरा है भाई। अच्छा किया भागे की गंगा देवी तू मेरे पास चली आई। अगर तेरा भाई खून के जुर्म में फंसा है, जो जितना पैसा लगेगा मैं जाके उसे छुड़ाऊंगा, तू टेंशन मत ले। आमी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ।
क्या चाहती है? आप मुझसे गुस्सा होंगे ना? क्यों? जो मैं यहाँ से वहाँ पे ज्यादा रहती हूँ ना। देख यार गंगा देवी, गलती तो जरूर करती है, लेकिन तेरे आंखों में आंसू भी नहीं देख सकता मैं। आप नहीं जाऊंगी मैं, ठीक है ना? मेरी कसम। हाँ आपकी कसम। सच बोल रही है? सच्ची में। अगर फिर अपने भैया सागर के पास चली गई तो? नहीं जाऊंगी। अगर अब की बार गई ना तो आप मेरा कहना मत मानिएगा, ठीक है? लेकिन एक बात कहूँ? बोल पगली, क्या कहना चाहती है? आप भैया को छुड़ाने अगर जाएंगे तो तीन तीन फैक्ट्री का हिसाब किताब कौन देखेगा? देख यार गंगा देवी, दो घंटे का तो काम है। दो घंटे में लाखों का नुकसान होगा, मेरी एक बात मानोगे? मैं क्या कहना चाहती बोल? मैं कह रही थी कि आपको तो पता है, फट, आपको तो पता है डिजिटल का जमाना है ना। हाँ। 5G का जमाना है। हाँ। यहाँ से आप ना पैसे ट्रांसफर कर दो कि भैया वहाँ जमानत खुद ही करा लें, क्या आप अपना नुकसान करेंगे? ठीक है गंगा देवी। अरे छोटू, देख यार, खड़ा हो पहले तू। वैसे सागर सिंह तो अच्छा आदमी है नहीं, बहुत बेकार, लेकिन कहावत कही गई है मालूम है का? सारी दुनिया एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। सही, सही, सही। कितना भी हो मेरा साला है वो। आपका साला है, साला है, है ना? ऐसा कर कि 1,00,000 रुपए उसके अकाउंट में तू ट्रांसफर कर दे। बस कई लाख? हाँ 1,00,000 रुपए। कितना डाई का पैसवा? 1,00,000। 1,00,000? हाँ। ऐसे खड़ी रहता है, स्कैनर ले ली। स्कैनर चिपका घुमा दे करे? नहीं मतलब भैया के नंबर पे। नंबर पे? हाँ। 1,00,000 रुपए से कम ना डाले। 9999 फापा मऊ सिविल लाइन। 1,00,000 ट्रांसफर हो गया? हो गया? ना भा हो, ना भा हो, तोहार कसम हो गया? हो गया। स्वामी जी क्या बात है यार, आप फैक्ट्री जा रहे हो ना, तो जाने से पहले मैं कुछ कहूँ क्या? क्या कहोगी मेरे जान? सुनिए ना, लोग
एक दूजे के दिल में घुसे रहेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। के करे दिल में घुसा था रे तई जैसे तुलदू ने जरा घुसा ओइसे हमहु घुसे सोचत है हराम खोर देख रे इसे ठवा जब जब हमके छुआ त न मरे घिना आवत है रे या आई गेन के या आई गेन के घर मालिक शिव कुमार घर मालिक अच्छा एक 21 रुपया दे यहां शेर जी खाती स्पेशल भैया धन्यवाद आशीर्वाद कामना है शुक्रिया ए छोटू आ रे आ देख इसे ठवा ना पता ना कब मरे कि हमारा का पिंड छोड़े बात बरे हम ज्यादा दिन यहाँ रहा बना और रहा बना तो कुछ न कुछ जरूर हो जाए तो सबसे पहले यहाँ घरे के पानी वाला मेन सप्लाई काट हाँ। कहाँ से कटबे टंकी लगे से टंकी के लगे से हाँ। काट दे हाँ। और पहले घरे के दोस्त मिटाओ दोस्त के का मिटाओ अनहरी का अनहरी के आ ढेर की है नैहरे में रार अब ससुरे मचाई अत्याचार तब समझ में आवे कुछ आओ चली अनहरी के तनी हाल खबर ले आ जा।